आप लोगों के सामने एक बहुत ही मजेदार खेल लेके आया हुआ हूँ। ये देखिए, ये छोटा सा एक कार्ड है, गत्ते का टुकड़ा, उसके एक तरफ आप देखिए शेर का चित्र चिपका दिया है, देख रहे हैं, और दूसरी तरफ हमने ये पिंजरा बना दिया है पेन से। इसके दोनों तरफ छिद्र हैं, इसमें एक तरफ ये धागा हमने लगा दिया है, दूसरी तरफ ये धागा लगा दिया है। जब इन धागे को उंगली और अंगूठी की सहायता से इसे पकड़ते हैं, इस धागे को घुमाते हैं, इस तरह से घुमाएंगे हम कि ये गत्ता पूरा घूमने लगे। ये देखिए, देख रहे हैं, पूरा गत्ता घूम रहा है, तो हमें ऐसा लगता है हमारी आंखों के सामने जैसे ये शेर जो है ये पिंजरे के अंदर चला गया है। देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे शेर पिंजरे के पीछे चला गया है। पिंजरे का चित्र और शेर का चित्र अलग अलग नजर नहीं आते हैं। बताइए ऐसा क्यों होता होगा? इसके पीछे एक विज्ञान का सिद्धांत काम करता है जिसका नाम है दृष्टि निर्बंध, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये क्या नियम है? इस नियम के अंतर्गत ऐसा होता है कि जो भी वस्तु हम देखते हैं, चाहे ये पिंजरा हम देख रहे हैं या शेर का चित्र हम देख रहे हैं, इसकी छाप हमारी आंख पे 1 सेकंड के 16वें भाग तक बनी रहती है। अगर इस बीच कोई दूसरा चित्र हमारे सामने आ जाए तो उसकी छाप भी हमारी आंखों में बन जाएगी। तो होता क्या है, जब हम इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाते हैं तो शेर और पिंजरा इन दोनों का चित्र हमारी आंखों के सामने एक के बाद एक आता जाता है, और 1 सेकंड के 16वें भाग में ही दोनों के ये जो चित्र है, दोनों ही चित्र हमारी आंखों में बन जाते हैं, यानी कि दोनों चित्रों की छाप हमारे आंखों में बन जाती है। इस वजह से ही क्या होता है कि हमें ऐसा महसूस होता है जैसे शेर इस पिंजरे के पीछे चला गया है, यानी कि शेर जो है पिंजरे में कैद हो गया है। ये परसिस्टेंस ऑफ विजन यानी दृष्टि निर्बंध के कारण होता है।